तो एमसीयू ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का नया टीवी स्पॉट रिलीज कर दिया, जो कि हमें पहले ही पता था कि लीक होने वाला है, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि रिलीज ही कर दें। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो इसमें क्या कुछ नहीं हमें देखने मिला, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ वांडा भी जो है वो बुरे सपने देख रही है। तो यहाँ पर हमें उसके सपने एक झलक दिखाई जाती है, जहाँ पे कि वो अपने बच्चों से मिलती है वहीं पर वेस्ट व्यू के घर में, और अचानक से वो अपने बच्चों को छूती है तो वो जो है गायब हो जाते हैं। कंट्रोल कंट्रोल। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है उसके पास तीसरी आंख भी है, यानी कि अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो कोई ईवल स्पेल वगैरह यूज कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बट ये काफी शॉकिंग था, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तीसरी आंख, वाओ। तो ये जो दो चीज थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर शॉकिंग थी, और यहाँ पर ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इस मूवी में जो है वांडा ट्राई करेगी अपने बच्चों को फिर से पाने के लिए, जो कि किसी और रियलिटी में है और किसी और वांडा के। अब यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि इस मूवी में सारा का सारा बखेड़ा या फिर रायता फैलाएगी वांडा। अब यहाँ पर उसे ये नहीं पता कि जो उसके बच्चे हैं वो एक्चुअल उसके बच्चे नहीं, वो किसी दूसरी रियलिटी, किसी दूसरी वांडा के बच्चे हैं, और वो ट्राई करेगी उन्हीं बच्चों को जो है फिर से हासिल करना। और यहाँ पर जो दूसरी वांडा है यानी कि किसी दूसरे रियलिटी की, उसे अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, ये चीज पसंद नहीं आएगी, और वो ट्राई करके वांडा को ढूंढने के लिए, और मे भी शायद से इसी कारण में दूसरी रियलिटी की वांडा इल्लुमिनाटी की जो बैंड बजा दे, उसमें से मे भी शायद से प्रोफेसर एक्स बचेंगे, जो कि वांडा के दिमाग में घुसकर उसको जो है फिर से मैनिपुलेट करेंगे, और यहाँ पर उसे बताएंगे कि सारी चीज़ें जो नॉर्मल है, इतना ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टीवी स्पॉट था वो काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जल्दी जाकर देखिए क्या कर रहे